Hello, students. Here we are with our chapter, uh, an Indian-American woman in space, Kalpana Chawla. This is our class six and our unit four, and this is our first chapter from this unit. And our book name is Honeycomb. So, open page number forty-eight in your book. And in our previous video, you we have read till here. तो भी हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो यहाँ तक हमने कल्पना चावला ने कैसे अपनी वैमानिक इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने स्नातक के व अपराध स्नातक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गई उसके बाद उन्होंने जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी थी उसमें अपनी पी एच करी और उसके बाद वो कोलम्बिया से उड़ान भरने वाला जो कोलम्बिया जो स्पेस शटल था उसमें उड़ान बनने वाली वो क्या हो गई पहली महिला और भारतीय महिला बन गई फिर उसके बाद उन्होंने नासा के स्पेस शटल में भी नासा का जो आ, स्पेस शटल प्रोग्राम था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया तो नासा ने उन्हें पहले एज ए साइंटिस्ट रखा दैन उसके बाद उन्हें एस्ट्रोनॉट के लिए उन्होंने उन्हें नाइनटीन में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें चुना नाउ वी रीड फ्रॉम देर वैन आस्ट वट इट वॉज लाइक बींग अ वूमैन इन हर फील्ड सी रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थाट वाई परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वूमैन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री तो देखो वैन आस्ट वट इट वॉज लाइक बींग अ वूमैन इन हर फील्ड सी रिप्लाइड जब उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में एक महिला होने के नाते यह कैसा होता है कैसा है या उन्हें कैसा लगता है सी रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया आई रियली नेवर एवर थाट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा अपनी पढ़ाई के समय या कुछ और करते समय दैट आई वॉज अ ओमेन कि मैं एक महिला हूँ और अ पर्सन फॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री या एक छोटे शहर या एक अलग देश से की व्यक्तियों तो वो कह रही है कि जब उनसे पूछा ना सवाल उन्होंने वैन जब उनसे पूछा गया कि वैन आस्ट वट इट वॉज लाइक बींग अ वूमेन इन हर फील्ड सी रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थाट वाइल परसुइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वूमैन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री जब उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में एक महिला होने के नाते यह कैसा है तो उन्होंने उत्तर दिया मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा ना ही अपनी पढ़ाई के समय और ना ही कुछ करते समय कि मैं एक महिला हूँ या एक छोटे शहर की या एक अलग देश की व्यक्ति हूँ आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड किसी अन्य की तरह ही मेरे बहुत सपने थे और मैंने उनका पीछा किया एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी एंड सैट इफ़ दैट्स वट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन एंड पीपल हु वर अराउंड मी और लोग जो मेरे आस पास थे फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से इंकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी एंड सैट सौभाग्य से उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और कहा इफ़ दैट्स वट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन यदि यही यही तुम करना चाहती हो तो जारी रखो या इसे करती जाओ देखो जब उन्हें तो जब उनसे पूछा गया वैन आस्क वट इट वॉज़ लाइक बींग अ वोमेन इन हर फील्ड सी रिप्लाई तो देखो जब उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में एक महिला होने के नाते वह कैसा है या कैसा है वह या वो कैसा महसूस करती हैं तो वो कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा वास्तव में कभी नहीं सोचा ना ही अपनी पढ़ाई के समय और ना ही जब मैं कुछ और चीज़ कर रही थी कि मैं एक महिला हूँ या मैं एक छोटी जगह से आई हूँ या, या मैं किसी दूसरे देश से आई हूँ ठीक है और वो कहती हैं कि आई प्री टी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलो देम किसी अन्य की तरह ही मेरे बहुत से सपने थे और मैंने उनका पीछा किया यानी सपनों को पूरा करने के लिए उनका पीछा किया आई एंड पीपल हु वर अराउंड मी और कहती हैं कि जो लोग मेरे चारों ओर थे फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सैड सौभाग्य से वह मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे और कहते थे इफ़ दैट्स वट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन यदि तुम यही करना चाहती हो तो इसको करना जारी रखो कल्पनास फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सेटल कोलंबिया वॉज फिफ्टीन डेज सिक्सटीन आवर्स एंड थर्टी फोर मिनट्स लॉन्ग कल्पना का अंतरिक्ष यान में पहला अंतरिक्ष अभियान तो कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सेटल कोलंबिया वॉज फिफ्टीन डेज सिक्सटीन आवर्स एंड थर्टी फोर मिनट नौ कल्पना का अंतरिक्ष कोलंबिया अंतरिक्ष यान में पहला अंतरिक्ष अभियान पंद्रह दिन सोलह घंटे और चौंतीस मिनट लंबा था देखो तो कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सटल कोलंबिया तो कल्पना का कोलंबिया अंतरिक्ष यान में पहला अंतरिक्ष अभियान वॉस फिफ्टीन डेज सिक्सटीन आवर्स एंड थर्टी फोर मिनट्स लॉन्ग पंद्रह दिन सोलह घंटे और चौंतीस मिनट लंबा था तो कोलंबी जो उनका कल्पना चावला का कोलंबिया अंतरिक्ष यान में जो पहला अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान में पहला अंतरिक्ष अभियान था वह पंद्रह दिन सोलह घंटे और चौंतीस मिनट लंबा था ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग दिस टाइम्स अराउंड द अर्थ टू हंड्रेड फिफ्टी टू टाइम्स ट्रेवलिंग टेन पॉइंट फोर फाइव मिलियन किलोमीटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम इस समय के दौरान वह पृथ्वी के चारों ओर दो सौ बावन बार गई दस दशमलव पैंतालीस लाख किलोमीटर की यात्रा करते हुए द क्रू इंक्लूडेड आ जापानीज एंड आ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट क्रू में या चालक दल में एक जापानी और एक यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री शामिल थे तो देखो यहाँ पर क्या है तो कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सेटल कोलंबिया वर्स फिफ्टीन डेज सिक्सटीन आवर्स एंड थर्टी फिन फोर मिनट्स लॉन्ग कल्पना का कोलंबिया अंतरिक्षयान में पहला अंतरिक्ष अभियान पंद्रह दिन सोलह घंटे और चौंतीस मिनट लंबा था तो जो कोलंबिया में जो उनका पहला जो स्पेस मिशन था पहला अंतरिक्ष अभियान था वह पंद्रह दिन सोलह घंटे और चौंतीस मिनट लंबा था ड्यूरिंग दिस टाइम्स इवेंट अराउंड द अर्थ टू हंड्रेड फिफ्टी टू टाइम्स ट्रेवलिंग टेन पॉइंट फोर फाइव मिलियन किलोमीटर्स इस समय के दौरान वह पृथ्वी के चारों ओर दो सौ बावन बार गई दस दशमलव लाख किलोमीटर की यात्रा करते हुए देखो इतने इस समय के दौरान वह दो सौ बावन बार जो थी पृथ्वी के चारों ओर गई द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ एंडियन एस्ट्रोनॉट यूक्रेनियन क्रू इंक्लूडेड इंक्लूडेड होता है शामिल करना चालक दल में एक जापानी और एक यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री शामिल थे द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips all for a price tag of about 56 million dollars so can the crew performed experiments such as the other crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space जैसे कि पौधों के विकास का निरीक्षण करने के लिए पराग का छिड़काव किया एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स और मजबूत धातुओं को बनाने और तेज कंप्यूटर चिप बनाने का परीक्षण किया ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर सभी के सभी में छप्पन मिलियन डॉलर की लागत आई तो देखो जब वो इतने दिन के लिए वहाँ रहे तो उन्होंने जो क्र्यू मेम्बर थे उन्होंने क्या किया था क्र्यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स तो जो चालक दल था उन्होंने प्रयोग किए सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस पौधों के विकास अंतरिक्ष में पौधों के विकास का निरीक्षण करने के लिए पराग का छिड़काव किया एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉगर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स और मजबूत धातुओं को बनाने और तेज कंप्यूटर चिप बनाने का परीक्षण किया ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर्स सभी को सभी में छप्पन मिलियन डॉलर की लागत आई तो देखो वो कह रहे हैं कि जब वो इतने टाइम के वहाँ पर रहे तो जो क्रू थे चालक दल था उन्होंने वहाँ एक्सपेरिमेंट भी किए उन्होंने प्रयोग भी किए क्या जैसे उन्होंने क्या किया कि स्पेस में जो पौधे की ग्रोथ है वो कितनी होती है किस तरह से होती है इसका निरीक्षण करने के लिए उन्होंने जो पॉलिनीशन होता है यानी पराग कड़का पराग का उन्होंने जो होता है छिड़काव हो किया वहाँ ठीक है और उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर मेटल्स यानी जो मजबूत धातु होती हैं उनको मज़बूत धातुओं को बनाने का भी उन्होंने क्या किया वहाँ पर परीक्षण किया और जो फास्टर कंप्यूटर चिप होती है चिप होती है कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर सब सेफ रहता है तो जो फास्टर चिप होती है सबसे तेज़ जो चिप होती है उसको भी बनाने का उन्होंने क्या किया वहाँ पर परीक्षण किया और इन सब में लागत कितनी आई फिफ्टी सिक्स मिलियन डॉलर्स की ठीक है ना यानी छप्पन लाख डॉलर जो है इसकी लागत आई

के बारे में समाचार फैलाया के बारे में खबर फैली वहाँ एक झटका और अविश्वास था तो मीन्स जो सैटरडे नाइट थी शनिवार की रात थी जब लोग जब यह खबर फैली कि कोल कौ, कोलम्बिया का जो डिजा जो कोलंबिया का जो आपदा है उसकी जो खबर फैली तो वहाँ पर सब लोग क्या हो गया शॉक हो गया सबको झटका लग गया और अविश्वास अविश्वसनीय नहीं लगा सबको ठीक है तो ऑन द ऑन द सैटरडे नाइट वेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर शॉक एंड डिस बिलीव शनिवार को शनिवार की रात को जब कोलंबिया आपदा के बारे में खबर फैली वहाँ एक झटका और अविश्वास था द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीवलैस स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेइंग ग्ल्यूड टू देअ टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्यू हैड सम हाउ सर्वाइवड सर्वाइवड मीन्स होता है बचाना तो द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट करनाल के शहर ने एक निंद्राहीन रात गुज रात बिताई जय जैसे कि हजारों घरों के लोग अपनी टेलीविज़न से चिपके रहे इस आशा में कि कल्पना और दल को किसी तरह बचाया गया हो तो देखो अब शनिवार यानी सैटरडे को आपको यहाँ पर भी बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि क्या था सैटरडे को जो इसका क्या हुआ था जो एक फर नाइन जब वो उतर रहा था तो वो नौ बजे का टाइम था एक फरवरी टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड थ्री यानी वन एक फरवरी टू थाउजेंड थ्री सैटरडे कुछ था जब कोलंबिया का क्या हुआ था जो स्पेस सेटल था उसमें आग लग गई थी ठीक है तो फर्स्ट फरवरी टू थाउजेंड थ्री सैटरडे को हुआ था ठीक है तो इसमें आपको कह रहे हैं ऑन सैटरडे तो ऑन सैटरडे यानी जो हमारी डेट थी कौन सी डेट थी फर्स्ट फरवरी टू थाउजेंड थ्री कोलंबिया का स्पेस जो था स्पेस सेटल में आग लगी थी ठीक है तो फर्स्ट फरवरी टू थाउजेंड थ्री तो जब इस शनिवार को वो राइटर कह रहे हैं कि ऑन द सैटरडे नाइट वेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देअर वाज शॉक एंड डिस्प्ले शनिवार की रात जब कोलंबिया आपदा के बारे में खबर फैली वहाँ एक झटका और अविश्वास था द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टे ग्ल्यूड ग्लूड में सुधा चिपकना टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्र्यू हैड समहाउ सर्वाइव्ड करनाल के शहर ने निंद्राहीन राय रात बिताई जैसे कि हजारों घरों के लोग अपने टेलीविज़न से चिपके रहे इस आसाम की कल्पना और दल को किसी तरह बचाया गया हो अ जर्नलिस्ट रोड एक पत्रकार ने लिखा अ हीरोइन वह एक नायिका थी तो देखो जब उसमें सभी मारे गए थे जब वो हुआ था लेकिन जो करनाल के लोग थे वो रात भर बिना सोए अपनी टीवी से चिपक चिपक के बैठ रहे इसी उस उम्मीद में कि जो क्रू के कल्पना चावला के साथ साथ जो क्रू के अन्य मेंबर्स हैं उनको बचाया बचाया जा सकता है या उन्हें बचाया गया हो इस उम्मीद में वो रात भर उठे रहे टीवी देखते हुए तो फिर लेकिन उसमें क्या था कि कल्पना चावला के साथ साथ वो जो बाकी स्पेस एस्ट्रोनॉट थे वो भी सब क्या गए मारे गए तो देखो फिर कल्पना चावला के बारे में एक वैज्ञानिक लिखते हैं अ जर्नलिस्ट रोड एक सॉरी वैज्ञानिक नहीं एक पत्रकार जर्नलिस्ट रोड एक पत्रकार ने लिखा अ हीरोइन वह एक नायिका थी ए इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट इनॉर्मस मीन्स होता है असाधारण तो एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए असाधारण योग्यता की आवश्यकता होती है यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरी थिंग आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनोटिकल इंजीनियरिंग जीव विज्ञान से खगोल भौतिकी तक और खगोल भौतिकी से वैमानिक अभिगिन्री तक तो आपको कह रहे हैं कि आपको यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग आपको हर आपको हर चीज़ के बारे में बहुत अधिक जानने की आवश्यकता होती है फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रो फिज़िक्स टू एस्ट्रोनोटिकल इंजीनियरिंग बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी और खगोल भौतिकी से एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिक अभियंत्रिकी तक तो वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने बॉयल बायोलॉजी से बायोलॉजी से वो से लेके उन्होंने फिर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा और फिर एस्ट्रोफिजिक्स से उन्होंने एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी तो यहाँ तक उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपको हर कुछ जानने के लिए मतलब यू यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरीथिंग आपको हर चीज़ जानने के लिए की आवश्यकता है इन दिस एज़ ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव अ इनसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट इन दिस इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स होता है विशिष्टीकरण उत्तम विशेषज्ञता या उससे उत्तम विशिष्टीकरण तो और इन्साइक्लोडिक इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज मीन्स होता है विश्वकोश ज्ञान ठीक है तो कह रहे हैं कि इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट उत्तम या उत्तम विशेषज्ञता के इस युग में एक अंतरिक्ष यात्रा अंतरिक्ष यात्री होने के लिए आपके पास विश्व ज्ञान विश्व कोश ज्ञान होना चाहिए हर अचीवमेंट इज इस ऑस्पायरिंग ऑस्पायरिंग मीन्स होता है विस्मयकारी प्रेरणा यार अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग उनकी उपलब्धि विस्मयकारी प्रेरणा है तो देखो एक एस्ट्रोनॉट एक जर्नलिस्ट उनके बारे में क्या लिखते हैं किसी अ हीरोइन वह एक नायिका थी इट टेक्स एन इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए असाधारण योग्यता की आवश्यकता होती है यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग आपको हर किसी चीज के बारे में जानने के लिए बहुत अधिक यू नीड टू नो अलॉट अबाउट एवरीथिंग आपको हर चीज के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता है फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एनोनो एनो एरोनोटिकल इंजीनियरिंग जीव विज्ञान से खगोल भौतिकी तक और खगोल भौतिक भौतिकी से वैमानिक अभियंत्रित अभियंत्रिकी तक इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेसलाइजेशन यू मस्ट हैव इनसे encyclopedic नॉलेज टू बी एन astronaut इस उत्तम विशेषज्ञ विसेसग्य का विशेषज्ञता के इस युग में एक अंतरिक्ष यात्री होने के लिए आपको आपके पास विश्व कोष ज्ञान होना चाहिए हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग उसकी उपलब्धि विश्वकारी प्रेरणा है तो कह रहे हैं कि देखो जिस तरह से उन्होंने वही नायिका थी और यह सब करने के लिए मतलब एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत अधिक जो असाधारण योग्यता की आवश्यकता होती है ठीक है और जो वो कह रहे हैं कि और जब आज का ये युग है जिसमें हर चीज़ अति उत्तम होगी अति विशेषज्ञता का जो अ, उत्तम विशेषज्ञता का जो ये युग है इसमें आपका जो, जो ज्ञान है वो इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज होना चाहिए यानी आपको विश्व कोश का ज्ञान मतलब आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और जो उनकी प्रेरणा है वो और इंस्पायरिंग है यानी वह सबके लिए विस्मयकारी प्रेरणा है कल्पना चावला ठीक है जो उनकी उपलब्धि है नाउ फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु हु हुड द स्काइज हैड बिकेम एन इंस्पिरेशन 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 मीन्स होता है प्रेरणा लाखों भारतीय युवा के लिए कल्पना चावला की कहानी छोटे शहर से एक लड़की जिसने आसमान को छुआ एक प्रेरणा बन गई तो देखो फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु हुटर्स द स्काईज हैज़ हैड बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस लाखों भारतीय युवाओं के लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन who touched the skies had become an inspiration kalpana chawla ki kahani ek chote se ki ladki jisne asman ko chhua prerna ban gayi. in a message that she sent from abroad aboard the to aboard the space shuttle columbia to the to students of her college in Chandigarh, kalpana said the path from dreams to success does exist तो देखो इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अवॉर्ड द स्पेस सेटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़ एक संदेश में जिसे उन्होंने कोलंबो के अंतरिक्ष यान में सवार होकर भेजा था चंडीगढ़ में अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सी सैड उन्होंने कहा कल्पना सेट कल्पना ने कहा द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू डज एग्जिस्ट सपनों से सफलता की राह मौजूद है द पाथ फ्राम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट सपनों से सफलता की राह मौजूद है मीन्स आप सपने अगर देखते हो तो उसमें आपकी सफलता की राह क्या है मौजूद है आप अपने सपने पूरा कर सकते हो ठीक है यू मे हैव द विज़न टू फाइंड इट द करेज टू गेट ऑन इट हो सकता है कि आपके पास इसे खोजने की दृष्टि हो उसे पाने का साहस हो विसिंग यू अ ग्रेट जर्नी आपको एक शानदार यात्रा की शुभकामनाएं देयर विल श्योरली बी मैनी स्टार्ट ऑफ ऑन हिज ऑन दिस जर्नी टू फिलफिल देयर ड्रीम्स वहाँ निश्चित रूप से कई होंगे जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा को शुरू कर दिया हो तो देखो अब वो कह रही हैं कि Uh, जो कल्पना चावला है तो कल्पना चावला की जो कहानी है वो जो लाखों युवा भारती हैं उनके लिए एक प्रेरणा बन गई है जो कि एक छोटी स्मॉल टाउन की एक छोटी छोटे से शहर की एक लड़की थी जिसने आकाश को छुआ और फिर वो कह रहे हैं इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अवॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़ तो एक संदेश जिसे उन्होंने कोलंबो कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में सवार होकर भेजा था चंडीगढ़ में अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए तो उन्होंने जब उस पर शटल में थी कोलंबिया के तो वहाँ से उन्होंने जो उनके स्टूडेंट्स थे विद्यार्थी थे चंडीगढ़ कॉलेज के जो उनका अपना जो चंडीगढ़ कॉलेज था जहाँ से पढ़ी थी वहाँ के जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी थे उनके लिए उन्होंने एक संदेश भेजा तो उन्होंने लिखा था उसमें कि द उन्होंने कहा उस संदेश में उन्होंने कहा कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एक्सिस्ट सपनों से सफलता की राह मौजूद है मीन्स सपनों में सफलता की राह मौजूद है कि अगर आप सपने देखेंगे तो जरूर अगर आप उनको पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो आप उन्हें अपना सफलता प्राप्त कर सकते हैं मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट द करेज टू गेट ऑन इट हो सकता है कि आपके पास उसे खोजने की दृष्टि हो या उसे पाने का या आप उसे पाने का साहस हो विशिंग यू ग्रेट विशिंग यू यूर ग्रेट जर्नी आपको एक शानदार यात्रा की शुभकामनाएं देयर विल श्योरली बी मेनी ऑन दिस जर्नी टू फिलफिल देयर ड्रीम्स उनमें से वहाँ निश्चित रूप से कई होंगे जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा को शुरू कर दिया हो ठीक है तो अडेप्टेड फ्रॉम स्पेन जर्नी फरवरी 1998। तो देखो ये जो स्टोरी थी कल्पना चावला के बारे में थी कि कैसे उन्होंने एक हरियाणा के करनाल से सब के छोटे से शहर होने के बावजूद भी वो एक सफल अंतरिक्ष यात्री बनी और भारत की तरफ से भारतीय अमेरिकी मूल की पहली वो लेडी बनी जो अंतरिक्ष में गई तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ब्यूटी दिस इज अवर फोर्थ यूनिट सेकेंड चैप्टर ओके तो इससे हमने इससे पहले हमने फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कल्पना चावला के बारे में नाउ दिस इज़ अवर फोर्थ यूनिट सेकेंड चैप्टर विच इज़ ब्यूटी सो टेक आउट पेज नंबर फिफ्टी फोर इन योर बुक तो देखो इसमें ब्यूटी यानी सुंदरता तो जो पोइट हैं इसकी ई ये श्योर तो ये बता रही है कि आप सुंदरता जो है आप उसको कहीं पर भी आप ज़रूरी नहीं है कि आप लुक वाइज ही अच्छे हों आपके जो कर्म हैं और जो आपके सोच है वो भी सुंदर हो सकती है और आप सुंदरता को कहीं भी ढूंढ सकते हो ठीक है तो ब्यूटी सुंदरता वट इज़ ब्यूटी सुंदरता क्या है ट्राई टू डिस्क्राइब वट ब्यूटी इज सुंदरता क्या है इसको वर्णन करने की का प्रयास कीजिए और लिस्ट सम ऑफ़ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर आर ब्यूटिफुल और कुछ चीज़ों की और या कुछ लोगों की जिन्हें आप सोचते हैं क्यों सुंदर है उनकी सूची बनाइए नाव लेटर्स रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी अब एक कविता एक सुन सुंदर सुंदरता पर आधारित कविता पढ़ें तो देखो अब आपसे पूछ रहे हैं कि सुंदरता क्या है वट इज़ ब्यूटी ब्यूटी क्या है ट्राई टू डिस्क्राइब वट ब्यूटी इज और जो ब्यूटी है उसको वर्णन करने की कोशिश करिए और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल और जिन चीज़ों को आप सुंदर समझते हैं या जिन लोगों को आपको लगता है आप सोचते हैं कि ये सुंदर है उनकी एक लिस्ट बनाइए आपसे कह रहे हैं ठीक है नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी चलो अब पोएम कविता पर आधारित एक सुंदरता पर आधारित एक कविता पढ़ें ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट सुंदरता को सूरज की सुंदरता सूरज की रोशनी में दिखाई देती है ब्यूटी इज सीन सुंदरता दिखाई देती है इन द सनलाइट सूरज की रोशनी में द ट्रीज़ पेड़ों में द बर्ड्स पक्षियों में कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग मक्के उगाने में और लोगों को लोगों के काम करने में और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट और अपने अपनी फसल के पकने पर नाचते हुए तो देखो इन सब में एक ब्यूटी दिखाई देती कह रहे हैं सुंदरता दिखाई देती है ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट द ट्रीज द बर्ड्स कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल जब पककर तैयार हो जाती है जब उसको फसल कटाई जब होती है तो उसके उसको बोला जाता है हार्वेस्ट ठीक है तो ब्यूटी इज सीन इन ब्यूटी दिखाई सुंदरता दिखाई देती है इन द सनलाइट सूरज की रोशनी में द ट्रीज पेड़ों में द बर्स पक्षियों में कॉन ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग मक्के उगाते हुए और लोगों के काम कर लोगों को काम करते हुए देखने में और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट और अपने फसल के पकने पर नाचने पर तो इन सब में ब्यूटी दिखाई देती है ठीक है तो वो कह रहा है कि सुंदरता सूरज की रोशनी में भी दिखाई देती है पेड़ों में दिखाई देती है चिड़ियाओं में दिखाई देती है मक्के उगाने में दिखाई देती है और जो लोग हैं वो काम करते हैं उसमें भी सुंदरता दिखाई देती है और जब पीपल पि लोग और जो लोग अपनी फसल पकने पर जब नाचते हैं तो उसमें भी क्या दिखाई देती है सुंदरता दिखाई देती है ब्यूटी इज़ हार्ड इन द नाइट ब्यूटी इज़ हार सॉरी हार्ड नहीं ब्यूटी इज़ हियर सुंदरता सुनाई देती है इन द नाइट रात में विंड सेंग हवा के झोंके में सेंग मीन्स होता है झोंका विंड सेंग हवा के झोंके में रेन फॉलिंग बारिश के गिरने में और अ सिंगर चेंटिंग चेंटिंग एनी थिंग इन अर्नेस्ट और एक गायक जो पूरी ईमानदारी से गा रहा है उसे सुनने में तो देखो ब्यूटी इज हियर ब्यूट सुंदरता सुनाई देती है इन द नाइट रात में विंड सेंग हवा के झोंके में रेन फॉलिंग बारिश के गिरने में और अ सिंगर चेंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट और एक गायक जो पूरी ईमानदारी से गा रहा है उसे सुनने में तो देखो आपसे कह रहे हैं पहले वाले में लिखा है ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट द द ट्रीज द बर्ड्स कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट सुंदरता दिखाई देती है सूरज की रोशनी में पेड़ों में चिड़ियाओं में मक्के उगाने में और लोगों के और लोगों को काम कर करते हुए और अपनी फसल के काटने पर नाचने में सुंदरता दिखाई देती है ब्यूटी इज हेयर इन द नाइट विंड सेंग रेन फॉलिंग और अ सिंगर चेंटिंग anything in earnest, सुंदरता सुनाई देती है रात में हवा के झोंके में बारिश होने बारिश के बारिश गिरने पर और एक गायक जो पूरी ईमानदारी से गाता है उसे सुनने में ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ सुंदरता आपके अंदर है गुड डीड्स हैप्पी थाट्स दैट रिपीट्स देम सेल्व्स इन योर ड्रीम्स इन योर वर्क एंड इवेन इन योर रेस्ट सुंदर ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ सुंदरता आपके अंदर है गुड डीड्स अच्छे कामों में हैप्पी थाट्स अच्छे विचारों में देट रिपीट्स देम सेल्व्स जो अपने आप को दोहराते हैं इन योर ड्रीम्स आपके सपनों में इन योर वर्क आपके कामों में एंड इवन इन योर रेस्ट और आपके यहाँ तक कि जब आप आराम करते हैं तो देखो अब आप सब कह रहे हैं कि ब्यूटी जो है ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ़ ब्यूटी आपके अंदर है गुड डेट्स आपके अच्छे कार्यों में आपके हैप्पी थाट्स आपके अच्छे विचारों में दैट रिपीट्स दैम सेल्फ जो कि आपको जो कि दोहराते हैं अपने आप को ठीक है और कब इन योर ड्रीम्स आपके सपनों में इन योर वर्क आपके कामों में एंड इविन इन योर रेस्ट और जब आप यहाँ तक कि जब आप आराम करते हैं तो इन सब में भी क्या है ब्यूटी दिखाई देती है तो कह रहे हैं देखो पहली लाइन में राइटर कह रहे हैं पोएट कह रही हैं कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट द ट्रीज द बर्ड्स कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट सुंदरता धूप की रोशनी में दिखाई देती है पेड़ों में दिखाई देती है चिड़ियों में दिखाई देती है कौन मक्के उगाने में दिखाई देती है और लोगों को काम करने करते हुए में भी दिखाई देती है और जब वे अपनी फसल पकने पर नाचते हैं तो भी सुंदरता दिखाई देती है ब्यूटी इज़ हर इन द नाइट विंड सेग रेन फॉलिंग और आ सिंगर चेंटिंग एनी थिंग इन सुंदरता दिखाई देती है रात में हवा के झोंके में बारिश होने पर और एक गायक जो पूरी ईमानदारी से गा रहा होता है उसे सुनने में इन सब में क्या दिखाई देती है इन सब में सुंदरता दिखाई देती है सुंदरता सुनाई देती है ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ ब्यूटी आपके सुंदरता जो है आपके अंदर है गुड डीट्स हैप्पी थॉट्स अच्छे कामों में अच्छे विचारों में देट रिपीट्स देम जो अपने आप को दोहराते हैं इन योर ड्रीम्स आपके सपनों में इन योर वर्क आपके कामों में एंड इवन इन योर रेस्ट इवन एंड इवन इन यू रेस्ट और जहाँ तक कि जब आप आराम करते हैं। तो देखो पोएट ये कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लुक वाइज ही अच्छी हो आप दिखने में ही सुंदर हो बल्कि सुंदरता को आप और चीज़ों में भी देख सकते हैं जैसे पक्षियों में पेड़ों में काम करते हुए लोगों में और जो हवा के झोंके हैं उसमें और जो बारिश होती है और एक सिंगर जो बिना किसी बिना किसी कुछ लिए या ईमानदारी से जो गाना गाता है उसे सुनकर उसे सुनने में उसका गाना सुनने में भी आपको सुंदरता दिखाई देती है और फिर आपसे कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है आपके अंदर की आ, जो आपकी ब्यू ब्यूटी जो है आपके अंदर भी है कि आपके जो अच्छे काम होंगे आपके जो अच्छे थॉट्स होंगे अच्छे विचार होंगे उसमें भी क्या है सुंदरता छिपी है और ये छू ये जो है अपने आप को रिपीट करते हैं दोहराते हैं कहाँ आपके सपनों में अगर आप सपने में भी आपके सपनों में भी आपके कर्मों में भी और यहाँ तक कि जब आप आराम कर रहे होते हैं ठीक है तो आपकी पोएम कंप्लीट हुई आई होप यू अंडरस्टैंड दिस Thank you and have a nice day.